जय मां कात्यायनी। मित्रों सादर नमन आप सभी को। मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का अभिनंदन करता हूं और इस समय आपके सामने दिसंबर के महीने में कर्क राशि का राशिफल लेकर के उपस्थित हुआ हूं कि किस तरह से कर्क राशि में उतार चढ़ाव और सावधानियां साथ में विशेष उपाय आप क्या है आपके लिए जो आप कर सकते हैं और आप अच्छा लाभ उठा सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले 1 से 10 दिसंबर के बीच क्या ध्यान रखना है। तो ध्यान दें, चंद्रदेव की आपकी राशि में पूर्व दृष्टि है। 3 और 4 तारीख को छोड़कर बाकी समय शेष आपके लिए बहुत अच्छा है। आय में अच्छा लाभ होगा, आपके कामों में कार्यों में सफलता मिलेगी, सभी ओर से सहयोग प्राप्त होगा, परिवार अनुकूल होगा, स्वास्थ्य भी आपका बेहतर रहेगा, साथ साथ संतान का सुख प्राप्त होगा। योजना के अंतर्गत सभी काम आपके समय पर पूरे हो जाएंगे, शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी, नौकरी में लक्ष्य की प्राप्ति होगी। 11 से 20 दिसंबर की तरफ 13 तक सभी कार्य संभल कर करें और अगर ध्यान नहीं दे पाएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। क्रोध में नुकसान संभव है, 14 तारीख के बाद का समय लगभग ठीक है। आय में सुधार होगा एवं काम में तेजी आएगी, विदेश जाने वाले लोगों को सफलता प्राप्त होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा एवं नौकरी में बदलाव के चांस भी हैं। मेहमानों का आगमन होता रहेगा, किसी की मदद करनी पड़ सकती है, साथ साथ अपना स्वयं का भी ध्यान रखें। 21 से 31 दिसंबर के बीच समय पूर्णतः आपके पक्ष का है, हर कार्य में सफलता एवं बेहतरीन तरीके से आय के साधन मिलते रहेंगे। ध्यान दें, हर कामों में सफलता के साथ साथ तरक्की के भी चांस आपको अच्छे मिलेंगे। प्रतिष्ठित लोगों से मिलने की पूरी संभावना है, यात्रा पर जाने का मन होगा एवं मौका भी आपको मिलेगा प्राप्त होगा। माह के अंत में आय में रुकावट हो सकती है, चिंताएं भी बढ़ सकती हैं। मैं बात करते हैं अलग अलग विषयों पर, जैसे कि नौकरी के बारे में, तो जॉब में आपके सहकर्मियों से पूरा लाभ आपको मिलेगा, पूरा सहयोग मिलेगा, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है, आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत रहेगा। व्यापार के बारे में अगर बात करें तो व्यापार में काफी अच्छी सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी, कोई मित्र आपके लिए कुछ अच्छा प्रस्ताव ला सकता है, आय बेहतर होगी, लाभ के मौके मिलेंगे। परिवार के बारे में अगर बात करें तो परिवार के साथ आपका समय अच्छा गुजरेगा, हालांकि व्यस्तता के चलते आपको कोई प्लानिंग रोकनी पड़ सकती है, लेकिन परिवार का सहयोग आपको मिलता रहेगा। सेहत के बारे में अगर बात करें तो सेहत के लिए समय आपका बेहतरीन है, अच्छा है, किसी भी तरह की समस्या आपके साथ नहीं है, सांस के रोगियों को भी राहत मिलेगी और सुधार होगा। दांपत्य जीवन के बारे में अगर बात करते हैं तो जीवन साथी के लिए आपका थोड़ा समय निकालना बहुत जरूरी है, कोई अच्छी यात्रा भी परिवार के साथ बन सकती है, प्रेमियों के लिए समय अच्छा है, उपहार की प्राप्ति भी होगी। संपत्ति के बारे में अगर बात करते हैं, संपत्ति के लिए समय आपका सामान्य है, कुछ मामलों में आपको कोर्ट या कचहरी का सामना करना पड़ सकता है, आपको कानूनी मामलों में भी राहत मिलेगी, आपके जो ऐसे कुछ लोग हैं जो कि न्यायिक लोग हैं वो आपके सपोर्ट करेंगे आपका। उपाय के रूप में अगर बात करें तो भगवान शिव को गंगा जल का अभिषेक जरूर कराएं, साथ साथ निर्धन कन्याओं को कुछ उपहार, वस्त्र आदि उपहार जरूर दें, खाद्य योग्य पदार्थ भी दे सकते हैं, खाने योग्य पदार्थ दे सकते हैं। तो इन्हीं विषयों के साथ मैं आपसे आगे चाहता हूँ, मिलता हूँ अगले विषय में, तब तक के लिए नमस्कार। साथ में एक विशेष सूचना, वार्षिक राशिफल ला करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, ध्यान रखें कि वो थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन आपके लिए बेहतर होगा। अलग अलग राशियों पर मेष से लेकर के मीन राशि तक आप जरूर उसको पूरी वीडियो जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।